भले ही शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान चारों तरफ से कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई हो, फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही हो, फिल्म को रिलीज ना होने दिए जाने की चेतावनी दी जा रही हो, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं जो पठान के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। हालांकि कई बार ट्विटर के जरिए तो कई बार बयान देकर ये नेता राजनेता विवादों में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने बिना कुछ कहे एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक तरफ शाहरुख खान की तस्वीर को साझा किया था और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए बयान को उन्होंने साझा किया था। हालांकि अखिलेश ने इस पर कुछ लिखा तो नहीं था, लेकिन उनके ट्वीट से ही ये साफ हो गया था कि वो पठान के समर्थन में हैं और इसके साथ साथ शाहरुख का भी वो सपोर्ट करते हैं। अब इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें ओपी राजभर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस विवाद पर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से ही वो कई लोगों के निशाने पर हैं और ओपी राजभर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं चुनावों में तो मुंह की खाकर आ गए हैं और यहाँ पर आकर पठान के हिमायती बन रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मऊ में महिला हक रैली का आयोजन सुभाषपा की तरफ से किया गया। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर न सिर्फ महिलाओं को लेकर बातचीत की, बल्कि जब उनसे पूछा गया पठान को लेकर विवाद पर वो क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि बेशरम रंग गाने में क्या है। लेकिन फिर इसी के साथ ओपी राजभर ने सवालिया लहजे में पूछा, भोजपुरी सिनेमा में क्या होता है। बस उनके इसी बयान से ये माना जा रहा है कि वो पठान के समर्थन में हैं और भोजपुरी सिनेमा पर सवाल उठा रही हैं। वैसे आपको बता दें, जब से पठान को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा पर सवाल उठा चुके हैं, खासकर मनोज तिवारी पर। मनोज तिवारी के कई फोटोज को वायरल किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने भगवा का अपमान नहीं किया तो फिर शाहरुख कैसे कर रही है, दीपिका कैसे कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें अब ओपी राजभर भी कूद गए हैं। हालांकि पठान के समर्थन में बोलना उनको भारी पड़ गया और लोगों ने जमकर उनकी क्लास लगा दी। वैसे आपको बता दें, मऊ में राजभर ने कई मुद्दों पर बातचीत की। जैसे उन्होंने कहा, नौकरियों में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी मिले, आज ये अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर पाती हैं। चुनाव आ जाता है, पता चला सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो नेताजी उन्हें घर से निकालकर मैदान में खड़ा कर देते हैं। हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि घर से बाहर निकालकर उनमें राजनीतिक चेतना जगाई जाए, वो अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। 50% सीट फिक्स कर दी जाए, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में 50% सीट पर बालिकाएं ही पढ़ेंगी। ओपी राजभर ने आगे कहा, इस तरह की व्यवस्था और उनको स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए इनको जागृत किया जा रहा है। अभी गिनती तो नहीं की है, लेकिन मऊ में आजादी के बाद पहली बार महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। इस ऐतिहासिक सम्मेलन को कई वर्षों तक लोग याद करेंगे, कई दिनों तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक याद करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी, सभी समाज की महिलाएं इसमें रहेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओपी राजभर ने अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रख दी है और उसके बाद से ही वो ट्रोल हो रही है। अब आप बताइए, ओपी राजभर ने पठान को लेकर जो कुछ कहा उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं।